मोबाइल फ़ोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं, पर अगर इसी मोबाइल फ़ोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की ज़रूरत पड़ती है जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए हैं। पर क्या ये मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर लें बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं, जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन रखता है। यह डेटाबेस एनक्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बहीखाता यानी पब्लिक लेजर है, जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही क्षण हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यह कारण है कि हम ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं। ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में, जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन मुद्रा किसी देश, सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। अधिक जानकारी के लिए आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं। केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां पारंपरिक रूप से विश्वास, भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है। जैसे वह सभी सौदे जिनकी आज नोटरी पब्लिक या किसी सरकारी संस्था को पुष्टि करनी पड़ती है। मान लिया जाए कि आप एक मकान खरीद रहे हैं, आप चाहेंगे कि इस सौदे को सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज किया जाए ताकि आपको एक सरकारी दस्तावेज मिले जो साबित करे कि आप उस मकान के कानूनन मालिक हैं। पब्लिक रजिस्ट्रार केवल इस सौदे का एक सबूत दे रहा है, और ऐसी संभावना है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्ट्रार का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि उसमें दर्ज सौदे की भी उतनी मान्यता होगी जितनी आज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की है। सार्वजनिक होने की वजह से इसमें घपले की संभावना भी कम होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कई और संभावित उदाहरण हैं। जैसे किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि एक गरीब आदमी को कुछ वेतन मिलना हो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको वह रकम सीधे उसके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। या अगर किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को नुकसान भरपाई करनी हो तो उनकी सहायता राशि सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। शिक्षा में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है। कागजी डिग्री के बदले छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री दी जा सकती है। इससे जाली डिग्री की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ब्लॉकचेन उन टेक्नोलॉजी में एक है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती हैं। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, इस पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए।